पिजन कोर्ट में खुश आमदीद के साथ मैं हूँ वलीद आलम। आज हम इस टाइम ए लॉफ्ट पे मौजूद है जो कि अली रज़ा साहब की है, जो कि हमारे क्लब यानी के फैसलाबाद रेसिंग पिजन क्लब के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं। मैं उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मौजूद हूँ। आज का वीडियो खसूसी पिजन सेल करने के हवाले से है। जैसा कि मैं एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप अपनी प्योरिटीज डिफाइंड नहीं कर पा रहे, यानी कि अपनी फैमिली का टाइम फैमिली को, बच्चों का टाइम बच्चों को, अगर आप स्टूडेंट है एजुकेशन का टाइम एजुकेशन को, जॉब होल्डर है तो जॉब का टाइम जॉब को, इसके साथ साथ बिजनेसमैन है तो अपना टाइम काम को, इस शौक की वजह से नहीं दे पा रहे तो आप इस शौक को बंद कर दें। कुछ ऐसे ही हालात हमारे भाई अली रजा साहब के साथ पेश आए कि उन्हें अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी और वो इसके साथ मजीद अपना शो जारी नहीं रख सकते। इस लॉफ्ट में आला से आला किस्म के पिजन मौजूद है। टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके साथ तमाम पिजन शो नहीं कर सकता, जिनमें से चंद पिजन आप मुलाहजा फरमाएं। पिजन आप देखते जाएं, साथ साथ मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता दूं कि जब आप किसी शख्स की, किसी दोस्त फैंसियर की लॉफ्ट विजिट करने जाएं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहले नंबर पे लॉफ्ट की सफाई ज़रूर चेक करें। अगर लॉफ्ट की सफाई नहीं है तो आप उस लॉफ्ट से हरगिज़ पिजन परचेज ना करें। उसमें इन लॉफ्ट डिजीज हो सकती है। वो पिजन या तो आपकी लॉफ्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा या फिर आपके शो को तबाह कर देगा। और इस सफाई से पिजन फैंसियर की लॉयल्टी का भी पता चलता है कि वो अपने पिजन के साथ कितना लॉयल है, कितना मुखलस है। दूसरे नंबर पे ज़्यादा क्राउडी लॉफ्ट नहीं होना चाहिए। क्राउडी मीन कम स्पेस पे ज़्यादा बर्ड नहीं होने चाहिए। जितनी आपकी केज है उस केज के मुताबिक आपके पास पिजन होने चाहिए। तीसरे नंबर पे लॉफ्ट का अच्छे तरीके से जायज़ा लें। अगर एक सिंगल पिजन भी आपको फ्लफी सुस्त नज़र आए तो उस लॉफ्ट से कभी भी पिजन परचेज ना करें। चौथे नंबर पे किसी भी लॉफ्ट में मास्क लगाए बगैर हरगिज ना जाएं। ये आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, पिजन्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। पांचवें नंबर पे लॉफ्ट से निकल के बात ज़रूर करें, नहाएं ज़रूर, अपनी या किसी और की लॉफ्ट में जाने से पहले। ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप किसी की लॉफ्ट में गए और आपने शूट किया है, विज़िट किया है, उसके बाद उन्हीं कपड़ों के साथ आप अपनी लॉफ्ट में चले जाते हो या किसी और फैंसियर की लॉफ्ट में चले जाते हो तो ये आप बाइस बनोगे, वायरस ट्रांसफ़र करने का बाइस बनोगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो लोग इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन से अली साहब का नंबर ले सकते हैं, उनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं।
ये मेल सेक्शन है, मेल सेक्शन के बिल्कुल बैक साइड पे ब्रीडिंग सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप भी आपको विजिट करवाऊंगा। ये फीमेल सेक्शन है, फीमेल सेक्शन की बैक साइड पे न्यू चिक सेक्शन है, फीमेल सेक्शन की ही बगल में ट्रैपिंग डोर है, आफ्टर फ्लाइंग बर्ड्स यहाँ से ट्रैप किए जाते हैं। चलते हैं ब्रीडिंग सेटअप की तरफ। ब्रीडिंग सेटअप आप देख सकते हैं, वेल डिज़ाइंड ब्रीडिंग सेटअप है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर लॉफ्ट में सफाई नहीं है तो आप हरगिज़ लॉफ्ट से बर्ड परचेज ना करें। और जाली की दूसरी तरफ पे न्यू चिक सेक्शन है, जो कि बिल्कुल फीमेल सेक्शन की बैक साइड में था। जो लोग इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन से अली साहब का नंबर ले सकते हैं, उनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपका भाई, आपका दोस्त वलीद आलम, अल्लाह हाफिज़।